आपका सवाल क्या है मुझे बताओ, क्या सवाल? सेक्शन सब पूछ रहे थे, नया दे रहे हैं, नया दे रहे हैं, कुछ बढ़िया दे रहे हैं, अलग दे रहे हैं। हम 22-23 ऐसे ही सेक्शन 377 की बात करके दे जा रहे हैं। कैसे सोचा तुमने? मुझे एक ईमेल आया था, ईशानी बैनर्जी करके लड़की है, शी रोट एन ईमेल, कुछ सब्जेक्ट लाइन था कि अर्जेंट ट्रू स्टोरी। तो मुझे लगा कि कुछ था इसमें, आई ओपन द ईमेल, उसमें प्रोफेसर सिरस के बारे में न्यूज़ कटिंग उसने भेजा था, एंड शी फेल्ट इट वाज समथिंग दैट शुड हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म। नहीं लेकिन कभी सीधे मतलब इस घटना के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं थी क्या? नहीं मुझे कभी जानकारी नहीं थी, कभी मैंने कभी सुना नहीं था, क्योंकि न्यूज़ तुम बहुत ज़्यादा पढ़ते देखते हो। लेकिन वही कमाल है कि ये न्यूज़ अखबार के किसी कोने में छुपा हुआ था, शायद जो अखबार मेरे घर पे आता है उसमें तो शायद छपा भी नहीं। अच्छा अच्छा, लेकिन ये एक चीज़ बताओ कि फिर तुमने अपूर्वा को कैसे दे दिया लिखने के लिए? अपूर्वा तो एडिटर था, मतलब कितने साल से तुम्हें उसको जानता हूँ, सत्या के समय से एडिटिंग कर रहा है वो। अपूर्वा, मुझे हमेशा लगता था कि अपूर्वा में लेखक बनने की क्षमता है, और वो एक ना एक दिन लेखक बनेगा। और इस कहानी को पढ़ के मुझे पूरा यकीन था कि ये उसकी डेब्यू फिल्म हो सकती है। मैंने अपूर्वा को सुनाया, अपूर्वा ने इस घटना के बारे में सुना था, उस वक्त उसका अपना एक कुछ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट था एक्टिविज्म, गे राइट्स और एक्टिविज्म के साथ। तो अपूर्वा ने कहा मैं ठीक है, मैं लिखूँगा। अच्छा अच्छा, बस। लेकिन कितने ड्राफ्ट हुए होंगे, तुमको क्या लगता है? सात ड्राफ्ट लिखे। हाँ, आपको जो दिया गया था वो छठा ड्राफ्ट था। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं जो हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि ये किस वक्त पे आप लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि चलो अब हम कास्टिंग शुरू करते हैं? जब तीसरा चौथा ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया था तब मुकेश छाबरा को हमने इन्वॉल्व किया। हाँ हाँ, और कहा कि भाई अब तुम स्क्रिप्ट पढ़ो। हाँ हाँ, तो ये सिस्टम मैंने अभी रखा है कि भाई आप वो जो एक हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, कि पहले सोचते हो कि अच्छा इसमें ये एक्टर ले लेंगे, कहानी सोच के एक्टर को पहले हम कास्ट कर लेते हैं, फिर प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी को जाके बेचते हैं। तो उस सिस्टम को कोशिश करते हैं कि वो सिस्टम ना फॉलो करे, कि स्क्रिप्ट लिखे, फिर उसमें जो एक्टर फिट होता है उसको कास्ट किया जाए, और मुकेश छाबरा के एक प्रोफेशनल करे। राइट, मुकेश ने पढ़ा। लेकिन मैं सच में मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है जब, चाहे तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हो इतने साल से, लेकिन एज ए डायरेक्टर आदमी जो है अनबायस्ड होता है, वो जब एक ही चीज़ से उसकी ऑनेस्टी होती है वो है स्क्रिप्ट। एज अ डायरेक्टर आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट, व्हेन यू एज अ डायरेक्टर व्हेन यू आर टॉकिंग टू मुकेश और यू आर थिंकिंग कि भाई मुझे एक्टर चाहिए इसके लिए, तो कौन कौन से एक्टर थे जो तुम्हारे दिमाग के सामने से जा रहे थे? सच बताऊँ क्या? नहीं सच बता, मतलब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअली सच बताऊँ, इसमें मुकेश मैंने एक कंपार्टमेंट अपना बंद कर दिया है। हाँ हाँ, कि स्क्रिप्ट लिखते टाइम ना मैं मुकेश के साथ शेयर करता रहता हूँ कि ये कहानी बन रही है, तो मुकेश ऑप्शंस थ्रो करता रहता है। तो क्योंकि ये मराठी प्रोफेसर था तो कई मराठी एक्टर्स के नाम आए थे मुकेश और मेरे डिस्कशन में। क्या नसीर साहब कभी भी नहीं आए? क्योंकि नसीर साहब की एज और सीरस की एज ऑलमोस्ट एक है। नसीर साहब तो मतलब एकदम ही मैंने नसीर साहब का नाम सजेस्ट किया कि व्हाट अबाउट नसीर साहब और नाना पाटेकर। हाँ हाँ, ये दो नाम मैंने दिए थे। हुँ. तो मुकेश को लगा प्रेडिक्टेबल था। हुँ. फिर मुकेश ने सजेस्ट किया था मुझे दिलीप प्रभावलकर। हाँ, और गिरीश कुलकर्णी बिल्कुल। तो ये हमारी बातें चल रही थी, स्टिल एक्सप्लोरिंग द कास्टिंग, जब उसको स्क्रिप्ट उसने पढ़ी मुकेश ने, तो मुकेश ने मुझे इमीडिएटली कहा कि मनोज भैया से बात करते, आप ये ना ये प्रेडिक्टेबल कास्टिंग कर रहे हैं आप थोड़ी सी। हाँ हाँ हाँ, आप जो सोच रहे हो प्रेडिक्टेबल है, और मुकेश का यही है कमाल कि वो सबवर्ट करते हैं आपके प्रोसेस को। राइट। नहीं, मुकेश की एक आदत मैंने देखी है। हाँ, कि चाहे वो जितना भी बड़ा दोस्त आपका क्यों ना हो, वो जॉनर किस जॉनर में काम कर रहा है और किस डायरेक्टर के साथ काम कर रहा है, उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी लेकर के आता है, हमेशा अनएक्सपेक्टेड कास्टिंग करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। बट राज के साथ में कैसा, मतलब राज वाज योर ऑब्वियस चॉइस बिकॉज ही स्टार्ट ऑलमोस्ट ही गॉट हिज रिकॉग्निशन विद यू एंड यू हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद हिम।
एक्चुअली कास्टिंग राज को मैंने सिर्फ कहा था कि भी इस पर काम करो राज। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मैं इसका इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं इस बारे में सोच रहा था प्रमोशन के दौरान में कि राज नहीं होता तो कौन होता, एंड आई कुड नॉट कम टू एनी कंक्लूजन। वो था, मैं तभी सोचा भी नहीं था, आई विल बी ऑनेस्ट। हमने जब लिखना शुरू किया तो राज हमेशा पूछता रहता है कि सर और आगे क्या, आगे क्या, आगे फिल्म कौन सी है, हम क्या कर रहे हैं, राइट। तो मैंने कहा ये लिख रहे प्रोफेसर सिरस पर जो फिल्म है उसको लिख रहे, और मैंने उसको ये भी कहा था कि मतलब पता नहीं शायद नवाज हो। तब ये पता भी नहीं था कि दीपू सेबेस्टियन का कैरेक्टर बनेगा। बिल्कुल। स्क्रिप्ट जब लिखी राज जा रही थी तब मैं कैरेक्टर का इतना वो था नहीं, स्केच तैयार नहीं, स्केच तैयार नहीं था, तो आई डिडंट नो व्हेदर राज को कहूँ। राज को कहा कि ऐसा कैरेक्टर है, देखना तुम एक बार स्क्रिप्ट पढ़ के देखना अगर तुम्हें करना है तो। आई गिव हिम दैट ऑप्शन। एंड फिर मुकेश के पास जब स्क्रिप्ट गई, मुकेश ने कहा ये राज करेगा क्या? अच्छा, मुझे कहा ये राज करेगा क्या? मैं बोला तुम्हें ठीक लग रहा है राज? तो बोला नहीं, राज के लिए अच्छा है। राइट राइट, इट्स अ यंग एनर्जेटिक कैरेक्टर, ये राज से आप करवाइए। अच्छा, क्योंकि मैंने जब सुना था तो मैं तो एकदम से, मतलब मुझे मुकेश छाबड़ा ने भेजा था तो तुमको मेरे पास में, मैं नाराज़ भी हुआ था इसको लेकर के, लेकिन मुझे स्टोरी सुनने के साथ ही, जो कि अमूमन कम होता है, मतलब बहुत रेयर है कि स्टोरी सुनने के साथ ही आपको लगता है कि इफ़ ऑल द डिपार्टमेंट्स यू नो आर इन सिंक एंड वर्क हार्ड वील हैव अ ग्रेट प्रोडक्ट इन आर हैंड एंड वील ऑल बी वेरी प्राउड ऑफ इट, यू नो। सो आई वॉज कम्प्लीटली कन्विंस्ड कि मैं, मुझे ये रोल किसी भी हालत में करना है। लेकिन अलीगढ़ में शूटिंग तुमने क्यों नहीं की? इस ये क्योंकि मैं, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज तक नहीं गया हूँ, और मुझे लगा कि अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो हमारी फिल्म में दिखाया गया है अगर हमको कैंप AMU में मिल जाता है तो एक देखने का मौका लगेगा। हमने मैंने एक टीम भेजी थी, जय इंद्रनील जो हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर है, जय जो मेरा एसोसिएट डायरेक्टर है, कैमरामैन सत्या नागपाल, इन सबको भेजा था कि भाई जाके लोकेशन को ज़रा छान के आओ, यूपी में फाइंड ऑल द लोकेशंस पॉसिबल। तो वो लोग अलीगढ़ गए, अलीगढ़ के लिए निकल रहे थे। हमने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में किसी से बात भी कर ली थी कि भाई हम आएंगे, यूनिवर्सिटी देखेंगे, एंड उसी रात जय को फ़ोन आया, धमकी वाला फ़ोन आया था कि अगर यहाँ आओगे तो तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। अच्छा, तो उस तरह की कुछ धमकी आई थी। अब वो धमकी ऐसी एम्प्टी थ्रेट्स भी हो सकती है। हाँ। लेकिन मैंने सोचा फिर कि हम फिल्म बनाने जा रहे हैं, ना कि हम कोई एक एक्सटर्नल बैटल लड़ने। राइट राइट राइट। तो मैंने जय को बोला पहले मतलब देख के आओ, बाकी हमारे पास रेफरेंसेस थे अलीगढ़ के, बोला यूपी देख के आओ। हमने मतलब बहुत सारी जगह देखी, लखनऊ, कानपुर, राइट आखिरी हम बरेली गए। राइट। मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि बरेली कॉलेज बड़ा सिमिलर है AMU से। राइट। तब हम गए बरेली, तो बहुत ही कमाल कर रहा था, और जो शूटिंग पूरा एक्सपीरियंस था, मैं आपको बताऊं कि शूटिंग एक्सपीरियंस वो अमेजिंग था हम लोगों के लिए। वहाँ के लोगों ने, वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ पे राजेश जी करके थे हमारे लाइन प्रोड्यूसर, जो कि वो बहुत ही क्वाइट वेल कनेक्टेड एंड अमेजिंग जेंटलमैन। सो राजेश जी अगर आप सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, इट वॉज़ अ ग्रेट शूटिंग एक्सपीरियंस, एंड तुम लोगों ने बहुत अच्छा ख्याल रखा था हम लोगों का, बिकॉज यू आर ऑल्सो द प्रोड्यूसर। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग फॉर दिस फिल्म। सो मनोज, मुझे ये बताओ, जब मैं आया था रोल लेकर, तो हाउ डिड यू परसीव द कैरेक्टर, क्योंकि मैं कभी पूछा नहीं। देखो क्या है, दुनिया जो है ना, अभी हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ा ऑब्सेशन है, कहते हैं कि गे कैरेक्टर आपने कैसे चुना, गे कैरेक्टर कैसे चुना, और मुझे समझ नहीं आता है कि मैं गांव का आदमी, मैं गांव से आया हुआ आदमी, छोटे शहर में पढ़ा हूँ, दिल्ली तो बाद में कॉलेज और थिएटर करने आया था, लेकिन ये मुझे समझ में आज तक नहीं आया कि गे कैरेक्टर नाम की चीज़ क्या होती है। जैसे कितनी बार लोग कहते हैं कि मुस्लिम कैरेक्टर, अभी मुस्लिम कैरेक्टर क्या है, बिहारी कैरेक्टर, अब ये जो हमने एक बांधा हुआ है, स्टीरियोटाइप किया हुआ है हर चीज़ को, कि बिहार के सब कैरेक्टर एक जैसे नहीं होते, तो बिहारी कैरेक्टर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सारे जो गेज हैं वो एक तरीके के नहीं होते, वो सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है, सबके माता पिता अलग अलग हैं, सबकी एजुकेशन अलग अलग है, सब अलग परिवेश में पले बड़े हैं, तो कैरेक्टर्स अलग अलग, कैरेक्टर्स के एलिमेंट्स होते हैं जो आपको पकड़ने होते हैं। तो तुम्हारी बात का मैं जवाब दूंगा कि मैंने
ये ध्यान ही नहीं दिया था कि वो गे है। करेक्ट। मैंने सिर्फ ये देखा था कि प्रोफेसर सीरस की जर्नी क्या रही है, उनकी बैक स्टोरी क्या रही है। वो नागपुर के रहने वाले, वो नागपुर से आए हुए हैं, नागपुर और लिटरेचर का में पैशनेट आदमी, वो पोएट्री लिखने वाला और विस्की पीने वाला प्रेमी आदमी, ये लता मंगेशकर का इतना बड़ा फैन हाँ। सिंगिंग का और अकेला रहता है वो आदमी, और वो गे है, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन गे है, गे कैरेक्टर नहीं है, है ना। तो जो भी अगर आप लोग सुन रहे हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आपके दिमाग में इस तरह की कोई भी चीज़ आती है तो उससे परहेज़ कीजिए, क्योंकि हम अपने ही कम्युनिटी के लोगों को अलग कर देते हैं इस तरह का नाम देकर के कि वो पंजाबी है, वो बिहारी है, अरे ये है, ऐसा 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 करने से आप, वो गुजराती है, इस तरह की बातों से आप परहेज़ करेंगे तो हम एक नया हेल्दी समाज बनाएंगे। तो बेसिकली क्या था कि मैं उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। मुझे याद है मैंने, तुमने मुझसे अस्मित, अस्मित अगर सुन रहे हो तो योर कंट्रीब्यूशन वाज वैल्यूएबल। तो अस्मित करके असिस्टेंट था हु आई गेव यू राइट टू प्रिपेयर, तो उसके साथ क्या, क्योंकि मैंने कभी प्रोसेस में पूछा भी नहीं था कि क्या प्रोसेस था। तो मैं बेसिकली क्या करते थे, मैंने अस्मित ने कहा कि भाई आपने मुझे बुलाया है मनोज भाई, बट व्हाट डू यू वांट मी टू डू, मैं क्या करूँगा, तैयारी आपकी है, मुझे वर्कशॉप करना नहीं आता है। मैंने कहा कुछ मत कर, जो जो मैं बोल रहा हूँ तू मुझे प्रोवाइड करता जा, है ना, जो जो मैं कहूँ बस वही करता जा। तो उसने कहा क्या करें, मैंने कहा ठीक है, आज मैं कॉपी बुक ले करके पेन ले कर बैठूँगा कि मैं आता हूँ को मराठी में क्या बोलते हैं ये बताओ। तो वो मैं आता हूँ को वो मी ये तो, ठीक है, मी ये तो बोलता था तो मैं लिखता था उसको। इट वॉज नॉट दैट आई वॉज ट्राइंग टू लर्न मराठी, आई वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू द एटमोसफेयर ऑफ द मराठी स्पीकिंग पीपल। वैसे ही एक दिन मैंने उसको कहा कि मुझे ना, मुझे यूट्यूब पे या कहीं से मुझे वीडियोस चाहिए पोइट्री, जिसमें कि पोएट जो है ना पोइट्री रिसाइट करते हैं, कुछ कवि सम्मेलन उस टाइप का, मुझे याद है पूला देशपांडे का उसको, हाँ कुछ उसने किया था। तो वो भी हमारे घर में जो है वो सब चल रहा है, ज़ोर ज़ोर से जो है सिर्फ मराठी में पोइट्री चल रही है। एक दिन मैंने, हम लोगों ने क्या किया कि सीरस की किताब वो लेके आया, पैर के नीचे घास ऐसे कुछ इस तरह से, पाया खाली हिरवट, हाँ तो वो जो है उसको वो एक पेज पढ़ता था और मुझे उसका मीनिंग बताता था। फिर तीन चार बार किया, फिर उसने कहा कि एक बार आप पढ़ो, फिर मैं जबकि मराठी बोलने वाला आदमी नहीं हूँ ना जानने वाला हूँ, तो मैं पढ़ता था। तो करते करते 10 दिन जो गुजरे हैं हमारे, 10 दिन के बाद जब मैं मराठी उसने मुझसे पढ़वाना शुरू किया, तो अचानक उसने कहा कि मनोज जस्ट से आई थिंक यू आर रेडी, आई थिंक यू आर रेडी, आई थिंक आई मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि सीरस यहाँ पे सब कुछ कर रहा है, मनोज वाजपेयी यहाँ से गायब हो गया। सो एक प्रोसेस होता है, तो वी एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट किया हमने पूरे उस एटमोसफेयर पे, उसके मेंटल स्टेट पे, वो पोएट्री पे, वो लता मंगेशकर के पे। जो गाना मैंने मराठी में गाया है ये अस्मित ने चुन के दिया था मुझे, बड़ा कि हाँ कि ये गाना आप गाइएगा फिल्म में, जो आपको मौका आता है सीन में गाने का तो ये गाना गाइएगा, क्योंकि इसमें वो सारे कृष्ण के और के प्यार भरी चीज़ें हैं जिसमें आशा भोसले की आवाज़ में है, और वो मोमेंट इतना बढ़िया निकला है, आप लोग फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि जब शूटिंग शुरू हुई तो पहले दिन ही मैंने जब देखा परफॉर्म करते हुए, बोला ये सीरस जिंदा हो गया। राइट राइट, कभी मुझे करेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नोटिस किया होगा कि मैंने कभी कुछ, अच्छा, आपको मैं बताऊं कि जितने सारे हमारे दर्शक हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि हंसल मेहता की खूबी क्या है, ये सारे डिपार्टमेंट्स और सारे एक्टर्स का चुनाव बहुत ही सोच समझ के करते हैं, उसके बाद ये किसी के काम में दखल नहीं देते हैं, अनलेस अनटिल इनका इन्होंने जो सोचा है उससे बिल्कुल कुछ उल्टा हो रहा है। उल्टा अगर इनके सोचे हुए में कोई ऐड कर रहा है, उसको आगे लेके जा रहा है, कितनी बार तो ये होता है कि पूरा दिन गुजर जाता है और हंसल मेहता डजंट से अ थिंग, डजंट इंटरफेयर इन योर क्रिएटिव प्रोसेस, विच इज़ अमेजिंग, जो कि बहुत कम डायरेक्टर में होती है बात किसी क्रिएटिव आदमी में, क्योंकि एवरी क्रिएटिव पर्सन इज़ वेरी वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट हिज ओन थॉट, अबाउट हिज ओन विजन, बट विच इज़ अमेजिंग थिंग अबाउट यू।